देखो हमारे भाईदू के विधायक बहुत विद्वान आदमी है, मैं ये कहूँगा, पर लोगों का माँ का इशारा कहीं होता है, निशान कहीं लगाते हैं वो, ठीक है। उनको भी कहीं पीड़ा हो गई, ठीक है। उन कहनी और कंथनी में उनके अंतर है, वहाँ किसी को क्या विधानसभा के अंदर वो बोले, कहीं उन्होंने निशाना लगाया, कहा क्या कहा, वो सब आपके कहीं और सामने है ना। उसको जो उन्होंने कहा था उसको विधानसभा कार्रवाई से भी उस शब्द को हटा दिया। रिफाइनरी खा गई क्या ये टॉपिक है, रिफाइनरी कौन खा गया, क्या था ये? रिफाइनरी खा गए, बन रही है भैया, सबके लिए कहीं और काम आएंगे, परंतु ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समय में जब रिफाइनरी शुरू हुई थी तो रिफाइनरी के आसपास का जो एरिया होता है वो एरिया ग्रीन बेल्ट कहीं ना कहीं नहीं होता कि नहीं होता, ग्रीन बेल्ट होता है। परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उन्होंने 500 मीटर का कर दिया। अब रिफाइनरी के बाहर इतनी बड़ी कहीं ना दुनिया जो देश की बहुत बड़ी कहीं ना रिफाइनरी यहाँ लग रही है, और यहाँ उसको सुरक्षा को लेकर यदि उस एरिए को ग्रीन बेल्ट को कम कर लेते हैं तो ये बहुत ही कहीं और सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो भी ठीक नहीं है। तो कहीं कहीं जो है दाल के अंदर काला है। अब काला कहाँ है वो तो कहाँ है, आजूराम जी को कहाँ लग रहा है दाल में काला, क्या किस तरह से, अब तो देखेंगे क्या होगा। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर काफ़ी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी जी ने जो हिंदू हिंसक है ये जो शब्द कहा है, इस शब्दों की हम जो है निंदा करते हैं। सब हिंदू हिंसक है नहीं, तो हिंदू के लिए जो इन्होंने कहा है हम इनको कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। देश के अनेकों जो है लोग इस कथन को लेकर, इस बयान को लेकर इस सब ने जो है निंदा की है, मैं भी निंदा करता हूँ। एक आपके शिक्षा मंत्री का भी जो है आदिवासियों पर एक बयान है, उस पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ भी हो उन्होंने जो कहा है, दोनों अपने भाई, एक भाई को कोई दूसरा भाई कहता है तू गलत कर रहा है, तो यदि कहीं नहीं मानता है तो उन्होंने कोई ऐसा गलत शब्द मुझे तो नहीं लग रहा कि उसके लिए कहा हो। आदिवासी और ये भी ऐसी कहे, दोनों कहीं छोटा भाई और बड़ा भाई है। अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई को कुछ कह देता है तो उसको मैं कहीं गलत नहीं समझता हूँ। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, ज़रूर उनका विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने अपना बयान भी कहीं ना विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखी है, परंतु तो मैं ये मानता हूँ आदिवासी जो है हमारी ये सृष्टि को, जो हमारे जमीन को जो है संरक्षण करने का काम किया है, हमारे देश के ऊपर जब भी कोई संकट आया है महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, सर्वाधीनता रहे तो हमारे आदिवासी वहाँ रहने वाले लोगों के जो है सहयोग से ही हुआ है सब कुछ। तो आदिवासी हमारे इस देश के, और आदिवासी और ऐसी एक ही है।